हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिसमें ना ही प्याज डलता है ना ही लहसुन डलता है, और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो आइए देखते हैं सब्ज़ी कैसे तैयार होती है। गोभी आलू बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले ये आलू मैंने काटे नहीं है, ताकि आपको एक साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। इसे छील के धो के रख लिया है मैंने, और ये मेरे कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स है, यानी गोभी के पीसेस, जिसे आपको इतना बड़ा रखना है। और जैसे कि ये हरी पत्ती आप देख सकते हैं, अभी आजकल मार्केट में बहुत फ्रेश गोभी आ रही है, तो बिल्कुल टेंडर सा ये ग्रीन पत्ता होता है उसका, तो बिल्कुल थोड़ा सा लेके इसमें चॉप करके, जैसे हम धनिया डालते हैं हल्का सा, उसे भी डाल लेना है। वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए, लेकिन गोभी को आपको इसी साइज़ का रखना है। ये देखिए, मैंने आलू को इस साइज़ के पीसेस में काट लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें थोड़ा 5 चम्मच मैंने बड़े चम्मच तेल के डाल दिए हैं। इस सब्ज़ी में थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा लगती है, और इस सब्ज़ी में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा तेल गरम हो चुका है, और इसमें हम सबसे पहले, ये मैंने बारीक काट के अदरक रखा था, और ये 1 टेबल स्पून का मेजरमेंट है मेरा, तो मैंने इस मेजरमेंट का 2 बारीक कटा हुआ अदरक ले लिया है। इसे हम डाल देंगे। जैसे ही हमारा अदरक थोड़ा लाल होगा, हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छा लाल करना है। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन थोड़ा लाल होने लगेगा, हम इसमें बारीक कटी हुई, ये मैंने 2 हरी मिर्ची ली। अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे से लाल हो गया, और बिल्कुल अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम ये जो हमारा बड़ा कटा हुआ आलू है, इसे डाल देंगे। और क्योंकि आलू में हमने थोड़ा सा नमक का टेस्ट देना है, तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। 2 चुटकी नमक डाल दिया है मैंने। अब इस आलू को हम स्लो आंच पे अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा होने देंगे, ताकि हल्का क्रिस्पी हो जाए हमारा आलू। हम इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाल मिर्ची ले लूँगी, ये 2 टीस्पून मैंने लिया है। इस मेजरमेंट का आप 2 चम्मच ले लीजिए, और अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप कम डालिए। ये 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने हल्दी ले ली है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, ये लगभग 1 चम्मच है। ये हमारे पास पाव भाजी मसाला है, ये लगभग 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो गोभी हमने काट के रखी थी, इसे डाल देंगे। नमक डाल दूंगी, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आपने आलू के समय भी थोड़ा सा नमक डाला है तो ध्यान दीजिएगा। सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला सारा गोभी में अच्छे से मिक्स हो गया है, और आप जब बनाएंगे फर्स्ट टाइम, और आपको अगर इसमें मसाला थोड़ा कम लगता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, यानी कि मिर्ची ज़्यादा, थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा। बट आप देख सकते हैं, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में ये सब्ज़ी तैयार होती है। और अब हम थोड़ी देर के बाद इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, तब तक हम इसे स्लो आँच पर ढक के पकने देंगे। अब आपने 5 से 7 मिनट के बीच में इसे चेक करते रहना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो ये जो आपका ढक्कन होता है, इसे बिल्कुल कढ़ाई में बिल्कुल स्टीम ना जाए उस तरीके की फिटिंग का आप ढक्कन लीजिए, क्योंकि ये स्टीम में ही पकती है। अगर साइड से आपकी सारी स्टीम निकल जाएगी तो गोभी अच्छे से पकेगी नहीं, और बहुत टाइम लेगी। तो हमने इसे 5 से 7 मिनट स्लो आँच पर होने दिया है, और इस गोभी को आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हिला लीजिए। देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, और बहुत ही अच्छी दिख रही है हमारी गोभी। मैंने इसे टोटल 25 मिनट्स स्लो आंच पे ढक के पकाया, जिसमें 5-5 मिनट में मैंने इसे हिला लिया था। अब हमारी गोभी ऑलमोस्ट 90% डन है, और इस स्टेज पे आके हमने हमारा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है इसमें। अब मैं इसमें
ये इंग्रेडिएंट डाल दूंगी। ये है मेरे पास सरसों का तेल, राई का तेल जिसे कहते हैं, और ये पतंजलि का है, और इसे मैं इसमें डाल दूंगी। लगभग एक बड़ा चम्मच आप इसमें डाल दीजिए, एक से डेढ़ चम्मच ले लिया है मैंने। सरसों के तेल को ऊपर से डालने में इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। हम कई बार इसे सरसों के तेल में छोंकते हैं, पर वो करने से अच्छा अगर आप इसे नॉर्मल तेल में छोंके और ऊपर से दो चम्मच सरसों का, प्योर सरसों का तेल डाल दीजिए और 5 मिनट के बाद इस सब्ज़ी को बंद कर दीजिए। बिलीव में इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बस इसे हमने 5 मिनट और ढक के पका लेना और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी की सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी दिख रही है और होती भी बहुत टेस्टी है ये। इसे आप पराठे के साथ या फिर आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑफिस में आप ले जा सकते हैं, टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है। इसमें ना प्याज है ना टमाटर है, तो हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हरा धनिया के साथ। आई होप आपको मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।